नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग मिनोक्सिडिल के बारे में साइड इफेक्ट और भ्रांतियां मैं दोनों पहलुओं पे आपको बताऊंगा। मिनोक्सिडिन सल्फेट एक केमिकल है जिसको बेसिकली स्टार्टिंग में हाइपरटेंशन के लिए काम में लाया जाता था, लेकिन जब इसकी गोलियों को ले रहे थे कुछ लोगों में बालों की ग्रोथ हुई, फिर इस पर रिसर्च हुई और अल्टीमेटली इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसको हेयर लॉस के कंट्रोल के लिए, हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए मेन रूप से जाना जाता है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन 2% 5% आता है, ये सॉल्यूशन आता है, स्प्रे आता है, जेल आता है, फोम आता है। इसका जो व्हीकल होता है, इस केमिकल को एक एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में डाला जाता है और ये 5%, 2%, 10%, 15% तक आजकल आ रहा है। जो हम एडवोकेट करते हैं 2% एंड 5% से ज़्यादा की कंसंट्रेशन का कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अतः महिलाओं में 2% ट्वाइस अ डे, पुरुषों में 5% ट्वाइस अ डे या 5% वंस अ डे इन द फीमेल्स हेयर लॉस के अंदर इसको एडवाइस किया गया है। अब जो हम मेन बात करने वाले हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, सबसे पहले तो भ्रांति बताऊंगा कि अक्सर लोगों को मिनोक्सिडिल की भ्रांति रहती है कि मैंने मिनोक्सिडिल लगाया, एक बार शुरू करूंगा, बंद कर दूंगा तो मेरे सारे बाल चले जाएंगे। ये पूर्णतया गलत है, लेकिन जब भी आप मिनोक्सिडिल लगाते हैं उसके फायदे 4 महीने बाद आना शुरू होते हैं। शुरू में हेयर लॉस टेम्परेरीली बढ़ता है, वो ये दर्शाता है कि मिनोक्सिडिल ने काम करना शुरू कर दिया है, बूढ़ी बालों को निकाल के उसके अंदर से नई जड़ों से नए बाल आते हैं, जड़ों से नए बाल आते हैं। अतः मिनोक्सिडिल लगाने के कुछ सप्ताह में यदि आपका हेयर फॉल बढ़ता है तो चिंता की बात नहीं बल्कि खुशी की बात है, 4 महीने बाद इफेक्ट आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण ये पहलू है, जब तक आप मिनोक्सिडिल लगाएंगे तब तक मिनोक्सिडिल का फायदा होगा, लेकिन जिस रोज आप मिनोक्सिडिल बंद कर देंगे ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे बाल चले जाएंगे, उस रोज से फायदा होना बंद हो जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए आप गोलियां लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, जिस रोज आपने गोली नहीं ली या जिस रोज आपने इंसुलिन नहीं लिया उस रोज आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उस रोज ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अतः मिनोक्सिडिल हेयर लॉस को कंट्रोल करती है, लेकिन हेयर लॉस जिस बीमारी के कारण हो रहा उसको खत्म नहीं करती है। तो जब तक आप लगाएंगे तब तक इसका फायदा होगा। साइड इफेक्ट में मुख्य रूप से जो 2-3% लोगों में हो सकता है वो है एलर्जी, डर्मेटाइटिस और एलर्जी, दोनों चीज़ों को प्रायकर एक रूप में मान लिया जाता है कि आपने मिनोक्सिडिल लगाया, आपको सिर में बहुत खुजली होती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और किसी के चेहरे पे सूजन तक आती है, प्रायकर नहीं आती सूजन लेकिन मोस्ट कॉमन है खुजली होना, छोटे छोटे दाने बन जाना कान पे, यहाँ पर गले में, ये एक सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है जो 2-3% लोगों में होता है। यदि आपको ऐसा होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और उसका उपयोग करना बंद कर देना है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है फेशियल हेयर ग्रोथ, जो महिलाओं में प्रायकर पाई जाती है। इसमें ऐसा होता है कि यदि मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन चेहरे पे आ गया, ट्रिकल होके रिस्क करके आ जाता है, या मिनोक्सिडिल लगाने के बाद में आप हाथ को अपने गाल पे, फेस पे लगा लेते हैं तो उस एरिया में बाल की ग्रोथ हो जाती है। यस, ये इसका एक साइड इफेक्ट है, लेकिन जूही मिनोक्सिडिल आप यहाँ पर लगाना बंद कर देंगे, गाल पे नहीं लगेगा तो वो हेयर जो आए हैं वो वापस चले जाएंगे। तो वो जो हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, महिलाएं उसके लिए चिंतित रहती है और चिंता होना स्वाभाविक भी है, वो टेम्परेरी है, उसकी चिंता नहीं करें। तीसरा इसका है, ये प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में आता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को और वो महिलाएं जो अपने बच्चों का स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उस पीरियड में मिनोक्सिडिल ना लगाएं, क्योंकि ये साइड इफेक्ट कर सकता है। ऑल्दो रिपोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल बट स्टिल प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में मान करके इसको प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिलाओं को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके जो साइड इफेक्ट के बारे में जो कहा जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, अरिदमियाज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ऐसे जो केसेस
कुछ हैं रिपोर्टेड वर्ल्ड में, लेकिन दीज आर नॉट द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मिनोक्सिडिल, दे आर द रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन, और जिनमें ऑलरेडी रिदम डिस्टर्बेंस है, अन्य कार्डिक प्रॉब्लम है, उन लोगों में बहुत रेयरली होता है। इतने सालों में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे एक भी पेशेंट को कार्डिक या ब्लड प्रेशर लो हो गया हो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मिनोक्सिडिल एडवाइस करता है। आप अपनी समस्याओं को, आप अपनी बीमारियों को डॉक्टर को बताएं और बताएं कि ये मिनोक्सिडिल लगाने से मेरी अन्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, फिर उसका मिनोक्सिडिल का इफेक्ट ही ना आए। अब ये इफेक्ट कब तक देखा जाता है, जो स्टडीज है वो बताती 4 महीने में आता है, पूरा इफेक्ट आने में 1 साल तक लगते हैं। अतः मिनोक्सिडिल काम कर रही है नहीं या नहीं कर रही है, उसको 6 to 12 months के लिए उपयोग में करना चाहिए, और यदि फायदा नहीं होता है तो वह बंद करिएगा। क्यों? क्योंकि मिनोक्सिडिल को काम में लेने के लिए हमारी जो बालों की जड़ें हैं उसमें एक एंजाइम होता है, वो यदि उपलब्ध नहीं है तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट नहीं होगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट नहीं होगा तो मिनोक्सिडिल काम नहीं करेगी। इस जिन लोगों में काम नहीं करती उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब मैं आपको बताऊं मिनोक्सिडिल का एक साइड इफेक्ट जो आम जनता मानती है कि बाल ही नहीं आए मेरे। अब आपको उसे समझना है कि मिनोक्सिडिल क्या करती है और क्या नहीं करती है। मिनोक्सिडिल मरी हुई जड़ को जिंदा नहीं करेगी। जो आपका गंजापन हो गया है, खालीपन हो गया, जहां पर आपका ललाट चमक रहा है, जैसे यहां मान लो बाल नहीं है तो कितना ही मिनोक्सिडिल लगाओ नहीं आएगा, लेकिन क्या इफेक्ट आएगा? जो यहाँ पर पतली बारीक बाल है, छोटे बाल हैं, बेबी हेयर हैं, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेबी हेयर टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बालों की मरे हुए बाल जिंदा नहीं होते, लेकिन बालों की थिकनेस बढ़ती है मिनोक्सिडिल के लगाने से। ये अर्ली टर्मिनेशन ऑफ टिलोजन और अर्ली इनिशिएशन ऑफ एनाजन करता है, इसलिए हेयर ग्रोथ बढ़ती ही बढ़ती है मिनोक्सिडिल से। अतः दोस्तों, जब भी डॉक्टर आपको मिनोक्सिडिल प्रेस्क्राइब करता है, आप फ्रीली और फ्रेंकली अपने डॉक्टर से पूछिएगा, रादर देन इंटरनेट की भ्रांति को। आप इंटरनेट की जानकारी लीजिएगा, पढ़िएगा, अच्छी चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों को अपने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करिएगा कि क्या आपके लिए वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आपका नंबर इस पे आ रहा है, आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।